तो वेलकम टू आर्टिफिशियल सॉल्यूशन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने न्यू लेयर बनाना और एक लेयर को बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट करने के बारे में सीखा था। अब इस लास्ट लेयर के चैप्टर की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स लेयर के साथ काम करते हुए जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस तरह फोटोशॉप में लेयर को विजिबल और इनविजिबल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि लेयर पैनल में हर लेयर के सामने एक यहाँ पे एक छोटा सा आईबॉल बना होता है। अगर आप किसी भी लेयर को हाइड करना चाहते हो टेम्प्रेरी तौर पे, तो आप इस आईबॉल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो लेयर जो है वो हाइड हो जाएगा, और दोबारा जब भी कभी वो लेयर आपको वापस चाहिए हो तो आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपको जस्ट कोई एक लेयर जो है वो विजिबल रखना है, बाकी सारे जो वो हाइड करने हैं, तो वन बाय वन करके हाइड करने में टाइम लग जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके आप किसी भी अगले लेयर को क्लिक करेंगे तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। देखिए बाकी सारे लेयर जो थे वो हाइड हो गए हैं, जस्ट ये दो लेयर जो है वो अनहाइड है। दो क्यों? क्योंकि ये आपस में क्लिप मास्क हुए थे, तो मतलब ये आपस में कनेक्टेड है, तो इसीलिए दोनों विजिबल हो रहे हैं। अगर मैं दोबारा अल्ट प्रेस करके इनको क्लिक करूँगा तो मेरे पास बाकी सारे लेयर आ जाएंगे। अच्छा, मैं किसी ऐसे लेयर को करके दिखाता हूँ हाइड एंड हाइड जो कि क्लिपिंग मास्क ना हुआ हो। जैसे ये है, मैंने अल्ट और जैसे इसको क्लिक किया तो बाकी सारे लेयर हाइड हो गए और ये वाला ऑन हो गया। दोबारा मैं इसको अल्ट और साय पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, मतलब ये इन्वर्स करता है अल्ट दबाने से। अब वैसे नॉर्मली अल्ट दबाने से ये ऑन ऑफ होगा, नॉर्मली दबाने से अगर आप अल्ट दबाते हो तो फिर अब ये ऑन हो गया लेयर, बाकी सारे ऑफ हो गए। और अगर मैं दोबारा इसको दबाता हूँ तो ये ऑफ, बाकी सारे ऑन हो गए। अच्छा, अगर आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है लेयर्स की और आपने वो सारे जो है वो हाइड करने, तो आप राइट क्लिक करके शो हाइड आल लेयर कर सकते हो। जिस पे भी आप राइट क्लिक करोगे उसको छोड़ के बाकी सारे लेयर हो जाएंगे। दोबारा आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस सारे लेयर शो भी हो जाएंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि जितने भी आपके पास हिडन लेयर्स हैं, जैसे ये हमने पिछली वीडियो में हाइड किया होता लेयर, वो आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप ये जो लेयर पैनल में छोटा सा फ्लाई आउट मेन्यू बना हुआ है इसमें जाएंगे और यहाँ से करेंगे आप डिलीट हिडन लेयर्स। ये फोटोशॉप आपको वार्निंग मैसेज दे रहा है, मैं इसको ओके प्रेस करूँगा तो जितने भी हिडन लेयर होंगे मेरे पास वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लेयर्स का जो स्टैकिंग ऑर्डर है वो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप किसी भी लेयर को क्लिक करके ड्रैग करते हुए आप उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। और मैं इसको वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। अच्छा, ये तो मतलब हो गया अगर आपके पास जो लेयर की लिस्ट है वो छोटी है। अगर आपके पास 20-25 लेयर आप चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आपको ये लेयर चाहिए, तो उसके लिए एक इसमें ऑप्शन होते हैं। लेयर में आप अगर जाएँ तो यहाँ पे अरेंज का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे इनको ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड बैक करने के काफ़ी ऑप्शन है, और इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं। अगर आप इनको मेमोराइज़ कर लें तो यहाँ पे आना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा इजी होती हैं। तो अगर मुझे कोई एक लेयर सबसे ऊपर चाहिए तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और क्लोजिंग जो ब्रैकेट है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो, ये जो लेयर था वो सबसे ऊपर यहाँ पे अरेंज हो गया। अगर मुझे सबसे बॉटम में चाहिए, एंड में चाहिए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और ओपनिंग ब्रेकेट जो है उसको प्रेस करूँगा तो ये जो मेरे पास लेयर है सबसे नीचे आ जाएगा। देखें यहाँ पे ये बैकग्राउंड के नीचे नहीं जा सकती क्योंकि वो लेयर नहीं है, वो फ्लैट बेस है। यहाँ पे आ सकती है बिल्कुल एंड में। और अगर आप इनको अप डाउन करना चाहते हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वाली लेयर इसके ऊपर आ जाए, तो मैं सिंपली कंट्रोल को बिना शिफ्ट के कंट्रोल को दबा के, और यहाँ से जब मैं इनको ब्रैकेट्स क्लोजिंग ब्रैकेट को जब दबाऊंगा तो ये अप पे मूव होगा, और अगर इसको मैं डाउन ओपनिंग ब्रैकेट को दबाऊंगा तो ये डाउन को मूव होगा लेयर। तो आप इस तरह भी लेयर्स को अरेंज कर सकते हैं, आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मल्टीपल लेयर सेलेक्ट करने एक साथ, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला लेयर और ये वाला लेयर एक साथ सेलेक्ट करना है, या ये सारे लेयर अगर आपने सेलेक्ट करने हैं, तो आप इस लेयर को क्लिक करके अगर कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके किसी भी दूसरे लेयर को क्लिक करेंगे तो वहाँ तक सारे जितने भी लेयर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उनको सिलेक्ट करने के बाद आप उनको मूव वगैरह कर सकते हो, या जो भी काम आप उनके साथ करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो।
अगर मुझे मतलब चूज़ करने हैं कुछ लेयर तो मैं शिफ्ट की जगह अगर कंट्रोल को प्रेस करें आप, अच्छा कंट्रोल को प्रेस करके आपने थंबनेल पे क्लिक नहीं करना क्योंकि थंबनेल पे क्लिक करने से सिलेक्शन बन जाएगी, आपने इस खाली एरिया पे क्लिक करना है। तो ये लेयर देखें दोनों सिलेक्ट हो गए, ये बल्कि तीनों हो गए अब। तो ये तीनों लेयर अब एक साथ मूव वगैरह या जो भी मैं काम करूँगा तो इनमें एक साथ हो जाएगा। इसके अलावा लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए मैंने आपको मूव टूल में कुछ ट्रिक्स बताई थी। लाइक अगर मैं ये चाहता हूँ, इसको पहले सबसे ऊपर लेके जाता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट, मैं इसकी अगर कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि आप मूव टूल से अल्ट को प्रेस करके इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो कॉपी आ जाएगी। यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर आप इस लेयर को ड्रैग करते हो कंट्रोल को प्रेस करके तब भी इसकी आप कॉपी बना सकते हो, सॉरी अल्ट को प्रेस करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इसकी कॉपीज बनती जा रही हैं। और अगर आपको लेयर्स को सिलेक्ट करना है तो वो मैंने आई थिंक मूव टूल की प्रॉपर्टीज़ में जब आपको बताया था कुछ ऑप्शंस, लाइक अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो जितने भी लेयर्स होंगे उन सब के नाम आपके पास आ जाएंगे, आप उस नाम को क्लिक करके लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कंट्रोल दबा के किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को ऑन कर सकते हैं, फिर जब भी किसी भी लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी लेयर्स के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था आपको, और इसी के साथ हमारा जो लेयर का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम सिलेक्शन के बारे में आगे इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।